पहले तो आपने आज तावड़दल बल्लेबाजी की किस तरह देखता है उसको, और आपने रिकॉर्ड भी तोड़े हैं? दरअसल रिकॉर्ड बनते हैं तोड़ने के लिए, तो हम जब से हम टीम में आए बस हमारी यही कोशिश है जब टीम के लिए अच्छा रन बनाए और टीम के लिए अच्छा टारगेट दें, बस हमारा यही मकसद है। लेकिन T20 की अगर बात करें तो लगातार इस तरह से आपने रिकॉर्ड तोड़ा है, आपने खुद जो ओपनिंग पारी थी उसमें भी ज्यादा रन बनाए हैं, क्या देखते हैं? मतलब क्या सोच के आप आए थे जो आज इतना आपने रिकॉर्ड तोड़ा, क्या सोच के आए थे? हम तो रिकॉर्ड तोड़ने की सोच में नहीं आए थे, हम तो बस विकेट देख के टारगेट सेट कर रहे थे तो उसमें रिकॉर्ड तोड़े। और किस तरह देखते हैं कि आप हिंदुस्तान जमीन पर भी हैं और यहाँ पर आप मैच खेलते हैं, आपका ये होम ग्राउंड भी है, तो इसमें किस तरह से आपने पहले भी प्रैक्टिस की है, कितना अहम था प्रैक्टिस के दौरान भी और मेहनत करी है उसके बाद फिर मैच खेलना? हर क्रिकेटर मेहनत करता है, जब से हम देहरादून में आए या हमारा होम ग्राउंड है या फिर हमने बहुत मेहनत की, बहुत लास्ट ईयर में इसी ग्राउंड में बांग्लादेश से सीरीज जीत गए थे तो इसी की वजह से हम यहाँ पे, क्योंकि हमारा होम ग्राउंड है तो दैट्स द मेन पॉइंट। तो अपनी टीम के लिए क्या कहना चाहेंगे, टीम को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आपकी टीम पूरी बल्क में आपने बहुत मेहनत की, इसलिए अपनी टीम को क्या कहना चाहेंगे? हमारी टीम अल्हम्दुलिल्लाह अब माशाल्लाह अच्छी तरह जा रहे हैं, अब आने वाले वर्ल्ड कप है तो उसके लिए भी प्रिपरेशन होगा। तो ये सिर्फ हमारे साथ जय जिन्होंने आज कई तार तोड़ रिकॉर्ड तोड़े हैं, वो कहीं ना कहीं किस तरीके से उन्होंने बात की और अपनी टीम के लिए बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस किया है। रोहित सोनी, ETV भारत, देहरादून।